आज हम देखने जा रहे हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये क्या होता है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी धर्म संस्कृति में, हमारी क्या कौन से भी धर्म संस्कृति हो, उसमें विवाह का एक अनन्य साधारण महत्व है। जन्म से मृत्यु तक के जितने संस्कार होते हैं उसमें विवाह संस्कार ये बहुत पवित्र संस्कार है। दोस्तों, हम चाहते हैं आप इस काम के लिए कभी भी कोर्ट तक नहीं आए, ये हमारी आप सबके लिए शुभेच्छा रहेगी। मेरी तरफ से आपके लिए, सबके लिए ये मेरे वेल विशेष रहेंगे। बट अगर होता है, हमने बहुत कोशिश कर ली और हमारा रिश्ता नहीं संभल रहा है और वो अभी टूटने के कतार तक पहुंच गया है, दोस्तों इस वक्त आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये जो एक डिवोर्स का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। यह प्रोसीजर बिल्कुल आसान है दोस्तों। जैसा मैंने पहले ही कहा कि शादी यह बहुत पवित्र रिश्ता है। जितने प्यार से, जितने प्रेम से आप एक साथ जुड़े थे, उसी प्रेम से, उसी भाव से आप बिना कोई एलिगेशन एक दूसरे पे लगाए आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अर्थ में ही, वो उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा है। फ्रेंड्स, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मींस हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों आपसी समझौतों से, आपसी ये करके, चर्चा करके जब सुलह करते हैं कि चलो अभी हमने बहुत कोशिश कर ली है और हमारा रिश्ता नहीं संभल रहा है, हमें एक दूसरे से अलग होना है, उस वक्त ये पर्याय हम आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए पहला तो जरूरी है कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, कि आपकी शादी को एक साल पूरा होना चाहिए। अगर आपकी शादी एक साल की है तो ही आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए कोर्ट तक आ सकते हो। अदरवाइज आपका जो फाइल, आपका जो ये होगा, पिटीशन होगा, वो कोर्ट खारिज कर देता है। सेकंड थिंग, आप दोनों म्यूचुअली, हस्बैंड वाइफ दोनों इस पर अग्री करें कि आपको म्यूचुअली अलग होना है, ये एक बहुत जरूरी है दोस्तों। ये दो बातें उसके लिए बहुत जरूरी होती है। आगे और क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, आपके दिमाग में सवाल रहेगा कि फिर ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहाँ पे फाइल किया जाता है। लड़की एक जगह रह रही है, लड़का दूसरी जगह रह रहा है, उनका गांव कोई तीसरा ही है, तो ये डिवोर्स कहाँ पे फाइल होता है। दोस्तों, मैं बता दूं, जहां आप लास्टली रिसाइडिंग हो, मतलब जो आप आखिरी बार जहां पे रहे हो, समझ लो लड़की नासिक की है, लड़का बंबई का है और आप नागपुर में एक साथ रहे हो, तो आप नागपुर में ये केस फाइल कर सकते हो, जहां पे आप लास्टली एक साथ रहे हो। सेकंड थिंग, लड़की जहां पे रह रही है वहां पे भी आप ये केस फाइल कर सकते हो, और तीसरी जहां पर आपकी शादी हुई है वहां ये केस आप फाइल कर सकते हो। तो ये ज्यूरिसडिक्शन होता है दोस्तों इस केस को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट, अभी केस फाइल होने के बाद इसका प्रोसीडिंग कैसे चलता है, आपके दिमाग में सवाल रहेगा, फिर मैम कितने दिन लगेंगे ये डिवोर्स फाइल, डिवोर्स ये होने में, डिक्री मिलने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों, इसमें 6 से 8-10 महीने लगते हैं, मिनिमम 6 महीने लगते हैं और 8-10 महीने में ये डिवोर्स हो जाता है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होती है, इसमें ना तो कोई पिटिशनर होता है ना कोई रिस्पोंडेंट होता है, दोनों भी इक्वल होते हैं, एप्लीकेंट नंबर 1, एप्लीकेंट नंबर 2, दोनों ही म्यूचुअली ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उनकी जो कोई टर्म्स कंडीशंस है वो टर्म्स कंडीशंस वो डिफाइन करते हैं। समझ लो उनके कोई इश्यूज है, बच्चा है उनका, कोई बेटी है, बेटा है, तो उनके फ्यूचर के बारे में, वो किसके पास रहेंगे, उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, हायर एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा, वाइफ को क्या एलिमनी देगा, ये सब बातें वो बैठ के आपस में सल्टा लेते हैं, आपस में डिफाइन करते हैं, और वो सब बातें पिटीशन में आती है। वो सब पिटीशन में बातें आने के बाद वो पिटीशन कोर्ट में फाइल होता है। दोनों म्यूचुअली एक साथ कोर्ट के सामने खड़े रहते हैं और दोनों कहते हैं कि हम अभी एक साथ नहीं रह सकते, हमने बहुत कोशिश कर ली और हमें अभी रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हमें म्यूचुअली डिवोर्स के लिए हम अप्लाई किए हैं, ऐसा वो कोर्ट को बोलते हैं। कोर्ट कोशिश करता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बोला, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपकी शादी टूटने से बचे, कोर्ट भी यही कोशिश करता है कि आपकी शादी टूटने से बचे, ये रिश्ता बरकरार रहे दोस्तों। तो इसलिए आपको पहली स्टेज जो होती है, पिटीशन फाइल करने के बाद आपको काउंसिलर के पास भेजा जाता है, जो फैमिली कोर्ट में अपॉइंटेड काउंसिलर होते हैं उनके पास आपको भेजा जाता है,
और वो काउंसिलर भी कोशिश करते हैं दोनों को समझाने की कि पता नहीं ये आप नए से शुरू करेंगे तो रिश्ता कैसा रहेगा, कौन कैसा रहेगा, ये हमें ये तो आपको आज पता नहीं है, तो इसलिए वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी शादी बच जाए। बट अगर ये बचने के मुकाम पर ही नहीं है उस वक्त, तो काउंसिलर भी अपना रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को भेज देते हैं। 6 महीने बाद का उसका जब पिटीशन फाइल किया है, पिटीशन फाइल करने के 6 महीने बाद का कूलिंग पीरियड होता है। इस 6 महीने में जरूरी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ नहीं रहे हो। एक साथ नहीं रहे हो इसका मतलब यह है आप एक छत के नीचे रह सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग घरों में रहना है। बट इन 6 महीनों में आपका कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकली रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट को बहुत मैंडेटेड करता है, मैंडेटरी होता है ये जो है वो, कि आपका कोई रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसा ना हो इन 6 महीनों में। और फिर आपको 6 महीने के बाद जो सेकंड मोशन है वो चांस मिलता है। हमने बहुत से केसेस में दोस्तों 6 महीने का पीरियड वेव करके भी लिया है, जब पिटीशन फाइल करते हैं और एक आध महीने के बाद हम एक दूसरी दूसरा एप्लीकेशन देके ये जो आपका 6 महीने का पीरियड है वो पीरियड हम कम करके लेते हैं। कई कई डिवोर्स हमने ऐसे भी करवाए हैं जो दो दो तीन तीन महीने में डिवोर्स हो गए म्यूचुअल कंसेंट के, तो इसलिए हम वो करवाते हैं। तो ये 6 महीना जो है वो कोर्ट का रिस्ट्रिक्टेड पीरियड होता है। उसके बाद आपको एक 6 महीने से 18 महीने, जैसे मैंने बोला था कि सेकंड मोशन होता है, अगर इस 6 महीने में आपको लगे, हस्बैंड को लगे, वाइफ को लगे कि नहीं यार हमने अलग नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर आज भी एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, तो मुझे वो पिटीशन वापस लेना है। हस्बैंड चाहे तो वापस ले सकता है, वाइफ चाहे तो वापस ले सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो ऐसे करते करते एक 6 से 8 महीने में जब आपको कोर्ट वापस बुलाता है 6 महीने के बाद, तब भी आप अगर आपकी जो कुछ आपका डिसीजन है उस पे आप फर्म होते हो तो कोर्ट फिर वो डिक्री पास कर देता है कि नहीं ये शादी नहीं टिकने वाली। तो इस तरह से ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसीजर होता है दोस्तों। अभी मैं आपको ये बता दूं, अगर हमने पहले जो डिवोर्स, अभी ये तो हो गया डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का, अभी हमने अगर कोई सिंपल डिवोर्स फाइल किया है, मतलब हस्बैंड ने फाइल किया है या वाइफ ने फाइल किया है, सिंगल उन्होंने किया है, हमने रिप्लाई किया है, या हमने किया है उन्होंने रिप्लाई किया है, ऐसा भी है। और अगर आपको लगे एक साल बाद 6 महीने बाद कि नहीं यार इसमें बहुत ज्यादा हरेशमेंट हो रहा है तो हमें म्यूचुअली अलग होना है, तो दोस्तों वो भी पिटीशन आप रिवर्ट करके वो केस आप वापस लेके नए से आप पिटीशन फाइल कर सकते हो जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए रहेगा। सेकंड थिंग, आप बोलेंगे मैम इसमें क्या फायदे हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने से? दोस्तों बहुत फायदे हैं। एक तो टाइम बहुत बचता है आपका, ये जो भगवान ने हमें उम्र दी है वो 10-5 साल हम देखते हैं, तो 2008 2009 के मैटर अभी भी फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। दोस्तों 12-12 साल अगर हम अपनी जवानी के इसमें वेस्ट करें तो हमारा क्या फ्यूचर रहेगा? और फिर कुछ नहीं, एक क्या होता है, एक 2 साल बाद 1 साल बाद वो ईगो पे आ जाता है कि नहीं अभी मैं वापस लूंगा ही नहीं, अभी मैं देखता हूँ क्या क्या करता हूँ, वो भी बोलती है मैं क्या क्या करती हूँ देखती हूँ। तो ये करने से हम बचते हैं दोस्तों, अलग अलग होना है तो म्यूचुअली अलग होने में ज्यादा फायदा है, टाइम से होता है। सेकंड थिंग, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला जाता। अगर आप सिंगल सिंगल डिवोर्स फाइल करते हो तो उसमें आपको क्या होता है, मतलब बाकी ग्राउंड के हिसाब से अगर आप क्रुएल्टी है, इंसैनिटी है, इसमें अगर आप डेजर्शन है, इसमें आप अगर डिवोर्स फाइल करते हो तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगते हैं, पूरी वहां इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, ये सब बातें इसमें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में फ्रेंड्स बच जाती है, हम इससे बच जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें पैसा भी खर्च होता है, सॉरी इसमें पैसा भी कम खर्चा होता है, ऐसा नहीं कि वकील को बहुत फीस देना पड़ता है, जो लाख लाख 50-50 हज़ार जो भी कुछ लेते हैं, इसमें खर्चा जो होता है वो कम खर्चा होता है। ये कुछ थोड़े बहुत उसमें फायदे हैं। बच्चों पे इसका बैड इफेक्ट नहीं होता है, जब हम पति पत्नी म्यूचुअली अलग हो रहे, उसको चाहे बच्चे उसके पास रहे हमारे पास रहिए, हमने आपस में डिसाइड किया है, तो इसका जो एक बैड इम्पैक्ट है वो भी बच्चों पे नहीं होता है दोस्तों। बस अभी इसके आखिर में मैं एक आपको एक मेरी मैंने खुद ने जो केस सॉल्व किया है वो एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी और मैं ये वीडियो बंद करूंगी। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए,
और इसके आगे से ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन के लिए देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो मैं बोल रही थी कि एक डिवोर्स का केस था, अभी एक हो गए उसको, डिक्री को 7-8 महीने हो गए उसको। वो दोनों जब भी डिवोर्स केस, उन्होंने पहले सिंपल डिवोर्स फाइल किया था, फिर हमने वो म्यूचुअल में कन्वर्ट किया, तो वो दोनों जब भी कोर्ट में आते थे फ्रेंड्स की तरह आते थे। मतलब कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि वो दोनों डिवोर्स लेने के लिए इस कोर्ट में आए हैं। ऐसे दोनों का बिहेवियर होता था। मैंने देखा जिस दिन वो डिक्री होने वाली थी, उस दिन सुबह भी मैंने बोला, यार आप इतने दोनों अच्छे फ्रेंड्स के जैसे रहते हो, क्या बात है, आप वापस लेना है क्या आज हमें? नहीं नहीं मैम, हम अच्छे हैं, दोस्त बन के रहेंगे, हम कोई इशू नहीं है, बट जो प्रोसीजर है वो हमें कंप्लीट करनी है। मैंने देखा वो दिन भर वो लड़का कोर्ट में था, लड़की की माँ साथ में थी, लड़के की माँ साथ में थी। वो लड़की ने दोनों को, मम्मा तुम्ही खाली जाऊन काहीतरी खाऊन या, आई तुम्ही पण खाली जाऊन काहीतरी खाऊन या, उसने खुद के जेब से पर्स से निकाल के पैसे दिए। जब 4:30-5 बजे वो डिग्री मिली, तब बेटा था उनका, 9 साल का बेटा था, बेटे को बुलाना था, तो बेटे को कोर्ट में नहीं बुलाएंगे, उसको हम बाहर मिलेंगे। ऐसा उन दोनों में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग था कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई यार कि इनका आज डिवोर्स हो गया। तो दोस्तों ऐसी कुछ बातें होती है, इसलिए डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये अपने फ्यूचर लाइफ के लिए अगर अपनी नहीं बनती है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए। नमस्ते, जय हिंद।